हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल। गाइस, आज के अपनी इस वीडियो में मैं पांच आपको अपने डिजाइन के ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं, रिवील करने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और मेरे से कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, हमारे को भी कुछ ऐसी टिप्स बताओ जिससे कि जो हमारे डिजाइन है वो भी देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगे। तो इस वीडियो में मैं जो आपको पांच टिप्स देने वाला हूं, वो कोई भी ऐसे नहीं है कि आप नया ट्रेंड फॉलो करें, आपको ये कलर चूज करना चाहिए, आप कलर थ्योरी पढ़ें, कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला हूं। मैं जो आपको पांच टिप्स देने वाला हूं, वो टिप्स ऐसे हैं जो कि आज से 10 साल 15 साल पहले भी डिजाइनिंग में चल रहे थे और आगे भी फ्यूचर में चलते रहेंगे। आप चाहें कितना भी नया ट्रेंड फॉलो कर लें, लेकिन अगर आप इन पांच टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका डिजाइन कभी भी प्रोफेशनल लुक नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, जो नंबर वन है सीक्रेट मेरी डिजाइनिंग का, जिससे कि मेरे जो डिजाइन है देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं, उसका नाम है रूल ऑफ थर्ड। और रूल ऑफ थर्ड का यूज मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ, और अगर आप भी रूल ऑफ थर्ड का यूज करते हैं अपने डिजाइन में तो आपके जो डिजाइन है वो ऑटोमेटिकली देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगेंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि रूल ऑफ थर्ड होता क्या चीज है। तो गाइस, जैसे हमारे पास एक ये आर्ट बोर्ड है जो कि मैंने ऐसे लिया हुआ है वर्टिकल में, तो इसको क्या होता है, रूल ऑफ थर्ड कैसे यूज करते हैं कि इस आर्ट बोर्ड को आपको 9 पार्ट में डिवाइड करना होता है। अब 9 पार्ट में आप कैसे डिवाइड करते हैं, आप यहाँ से क्रॉप टूल लें, और क्रॉप टूल लेने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये, और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिखेगा रूल ऑफ थर्ड, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद में इस आर्ट बोर्ड पर क्लिक करना है। तो आपका जो आर्ट बोर्ड है वो आपको दिख जाएगा कि ये 9 बॉक्स में ऐसे कन्वर्ट हो चुका है। ये सिर्फ आपको देखने के लिए, आप ऐसे रूलर भी अपने डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल आर किया तो यहाँ पे आपके रूलर आ जाएंगे, और आप रूलर को ड्रैग करके यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाले हैं, और अपने इस आर्ट बोर्ड को 9 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया है इक्वली। ठीक है, अब रूल ऑफ थर्ड में क्या होता है कि ये जो आपके चार पॉइंट आते हैं, ये वाला और ये, इन चार पॉइंट्स को आपको यूज करना है अपनी किसी भी चीज को दिखाने के लिए। आपको ये सबसे पहले चूज करना है कि आपको अपने डिजाइन में सबसे ज्यादा किस चीज को दिखाना है, कंटेंट को दिखाना है या फिर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको दिखाना है। आप उस प्रोडक्ट को, उस कंटेंट को अगर इस पॉइंट पे रखते हैं तो वो देखने में एकदम प्रोफेशनली लगेगा और काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिजाइन बनाया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरा एक डिजाइन है जो कि मैंने रूल ऑफ थर्ड का यूज करके बनाया है। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक सिंपली शैम्पू की बॉटल ली है, और यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा अमेजिंग सा डिज़ाइन नहीं बना करके दिखाने वाला था। यहाँ पे मैंने एक सिंपल डिज़ाइन बनाया है जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया मिल जाए कि हम लोग रूल ऑफ थर्ड का यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ पे पॉइंट आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे अपना ये प्रोडक्ट रखा जिसको मेरे को सबसे ज़्यादा विजिबल कराना था, और उसके बाद जो मेरा टेक्स्ट है वो भी रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से मैंने यहाँ पे रखे। तो गाइज, ये एक मेन तरीका है आपको अपने प्रोडक्ट को शो कराने का रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से। और अगर आप बोलें कि ये एक वर्टिकल है, अगर मैं आपके पास कोई स्क्वायर साइज का डिज़ाइन है तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली ये वर्टिकल में चलता है, लेकिन अगर आपको स्क्वायर में भी करना है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे भी रूल ऑफ थर्ड का यूज़ किया है, और आप देख सकते हैं कि मैंने शैम्पू बॉटल को थोड़ा सा राइट हैंड साइड में किया है। अगर मैं इसको पूरा यहाँ पे कर दूँ तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाएगा इसके, तो मैंने हल्का सा इसको ऐसे किया है और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी मैंने ज़्यादा आइटम नहीं लगाए हैं और काफ़ी सिंपल तरीके से चीज़ों को रखा है, लेकिन ये देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। इसी तरीके से इसमें भी लग रहा है कि अगर मैं इसके रूलर्स हटा दूं तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। तो गाइज, ये एक नंबर वन मेरा सीक्रेट था डिज़ाइनिंग का जिसका मैं यूज़ करता हूँ, और मैं बोलता हूँ आपको कि आप इसका यूज़ करें हर एक डिज़ाइन में अपने। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो जो आपका डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, एकदम से प्रोफेशनल लगेगा। तो गाइस, जो नंबर टू सीक्रेट है मेरी डिज़ाइनिंग का, उसका भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी डिज़ाइनिंग में, और हर एक प्रोफेशनल इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है, जिसका नाम है टारगेट ऑडियंस। और टारगेट ऑडियंस का आपको अपने डिज़ाइन के लिए पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस टिप्स में मैं आपको कुछ भी चीज़ बना करके बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ कि हम लोग टारगेट ऑडियंस कैसे सेट करते हैं अपने डिज़ाइनिंग के लिए। सपोज आपके पास कोई प्ले ग्रुप का कोई स्कूल का क्लाइंट आया और उसने आपको बोला कि आप उसके लिए कोई भी एक क्रिएटिव सा डिज़ाइन बनाएं,
तो आपको सबसे पहले उस स्कूल वाले से बात ये करनी है कि जो आपका स्कूल है वो किस लेवल का है, आपको जो टारगेट करना है वो मिडिल क्लास को करना है या फिर अपर क्लास को करना है, आपके जो स्कूल है उसका लेवल क्या है, इस तरीके से आप बात करेंगे। उसके अलावा जो आप डिज़ाइन बनाएंगे वो डिज़ाइन आप बच्चों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर प्ले ग्रुप का कोई भी स्कूल ओपन हो रहा है तो उसमें बच्चे भी छोटे ही जाएंगे और बच्चे कोई भी ऐड नहीं देखेंगे, उनके पेरेंट्स ही ऐड देख करके स्कूल के बारे में जज करेंगे। तो आपको उनके पेरेंट्स को टारगेट करना है, तो उनके पेरेंट्स की क्या थिंकिंग होगी, क्या वो सोच सकते हैं, उसको दिमाग में रखते हुए ही आपको वो ऐड डिज़ाइन करना है। आप कलर्स वगैरह तो सब बच्चों के अकॉर्डिंग ही उसमें यूज़ करोगे, लेकिन आपके एक साइड दिमाग में ये भी होना चाहिए कि जो ऐड है ये बच्चों के पेरेंट्स देखेंगे ना कि बच्चे देखेंगे। तो इस तरीके से आपको हर एक डिज़ाइन के लिए अपनी ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा। ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए कि आपकी क्या ऑडियंस है और आप क्या डिज़ाइन बना रहे हो। इसी तरीके से जैसे कि मैं इंडिया में हूँ तो आपको हर एक रीजन के अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन बनाना पड़ता है। अगर आप साउथ के लिए डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के लोगों का क्या टेस्ट है, वो लोग कैसा डिज़ाइन देखना पसंद करेंगे। सपोज़ आप कोई ज्वेलरी का ऐड बना रहे हो और गढ़वाल रीजन है यहाँ उत्तराखंड में, तो अगर आप गढ़वाल रीजन के लिए वहाँ के बंदों को टारगेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सिंपली कोई भी ऐसे मॉडल्स की फोटो नहीं लगा सकते ज्वेलरी पहने हुए। लेकिन अगर आप वहाँ पे जो मॉडल यूज़ कर रहे हो वो एक गढ़वाली मॉडल ही लगा दो, गढ़वाली लेडी ही लगा दो, तो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को अटैक करेगी, काफ़ी ज़्यादा टारगेट करेगी। और गाइस ये मेरा सेकंड तरीका था। जब तक आपको ये टारगेट ऑडियंस का पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा कि मुझे टारगेट किसे करना है, बच्चों को करना है, बड़ों को करना है, गर्ल्स को करना है, बॉयज़ को करना है, तो आप जो अपना ऐड बना रहे हो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो उस ऑडियंस तक पहुंचेगा नहीं, और पहुंचेगा भी तो उस ऑडियंस को ऐड देखने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो गाइज आप इस टिप्स को भी फॉलो करें, ये भी टिप्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डिज़ाइन के लिए और जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं उसको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। तो गाइज जो नंबर थर्ड है मेरा सीक्रेट डिज़ाइनिंग का, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया कि आपको रूल ऑफ थर्ड का यूज़ करना आना चाहिए, सेकेंड बताया कि आपको टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए, लेकिन जब तक आप ये डिज़ाइन बनाएं और इसमें जो भी आप इमेज यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो आपके जो डिज़ाइन है वो देखने में बिल्कुल बेकार लगेंगे और वो प्रोफेशनल नहीं लगेंगे। तो जो थर्ड पॉइंट है मेरा वो है इमेज क्वालिटी। तो आपको हमेशा अच्छी इमेज लेनी है, हाई रेजोल्यूशन इमेज लेनी है। इसके लिए आप क्या करें कि सिंपली गूगल पे सर्च ना करें, मैं आपको दो तीन वेबसाइट बता देता हूँ, जैसे कि पिक्सल है, अनस्प्लैश है या पिक्साबे है या फिर फ्री पिक है। आप यहाँ से जाकर के हाई क्वालिटी इमेजेस डाउनलोड करें। अगर आपको यहाँ से कोई भी इमेज नहीं मिलती है तो आप सिंपल गूगल पे जा करके करें, लेकिन मैं गूगल पे भी आपको बता देता हूँ कि आप कैसे करें। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे कोई इमेज डालूँ कार, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करूँ इसको इमेज में जा करके, तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा कम आएगा, ठीक है। लेकिन आप एक हाई रेजोल्यूशन इमेज बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसके लिए आप क्या करें, टूल्स पे जाएं, यहाँ पे जाएं साइज और यहाँ पे कर दें लार्ज। अब जो भी आप इमेज देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की आएगी। आप देख सकते हैं इसको ओपन करके काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के। इसके अलावा जैसे मैंने आपको साइड बताई, पिक्सल्स बताई जैसे, तो आप यहाँ से भी कोई भी वेबसाइट इमेज सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जो इमेज मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करूँ बर्गर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज की क्वालिटी है ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेज है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जब आप इमेज को डाउनलोड कर लें तो डाउनलोड करने के बाद में फ़ोटोशॉप में जा करके इसको हल्का सा शार्पन कर दें तो भी आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिल्टर में जाएं, शार्पन, और यहाँ पे इसको शार्पन कर दें तो इससे आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो गाइज ये मेरा थर्ड पॉइंट था। अगर आप कितना भी अच्छा डिज़ाइन बना लें लेकिन जो आपने उसमें इमेज यूज़ की है उस इमेज की क्वालिटी डाउन है तो आपका ऐड जो देखने में वो बिल्कुल बेकार लगेगा, उसमें कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। तो आप हमेशा, चाहे वो आपका क्लाइंट आपको इमेज प्रोवाइड करे, तो आपको क्लाइंट को भी बोलना है कि मेरे को हाई रेजोल्यूशन की इमेज चाहिए। तो गाइज ये थर्ड पॉइंट था, इसको भी आप बहुत ज़्यादा फॉलो करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इमेज ठीक से नहीं लगाते हैं तो आपका जो डिज़ाइन है देखने में बिल्कुल बेकार लगेगा। तो गाइज जो नंबर फोर सीक्रेट है मेरी डिज़ाइनिंग का वो है नंबर ऑफ फॉन्ट्स। आप जब भी कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो आप उसमें कितने फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं। आपके सिस्टम में हज़ारों फॉन्ट्स होंगे लेकिन आपका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक डिज़ाइन बनाए उसमें 5-7 फॉन्ट यूज़ कर दें। मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। अगर आपको एक डिज़ाइन बनाना है तो आप उसमें मैक्सिमम
मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको एक डिज़ाइन बनाना है तो आप उसमें मैक्सिमम 3 फॉन्ट का यूज़ करें अगर आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वरना तो आप सिंपली अपने एक डिज़ाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉन्ट का यूज़ करें, वो कोई से भी फॉन्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसमें एक और फॉन्ट करना है, तो आप मैक्सिमम 3 फॉन्ट तक ही जाएं। अगर आप 3 फॉन्ट से ज़्यादा अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं तो जो आपका डिज़ाइन है वो देखने में बिल्कुल भी प्रोफेशनली नहीं लगेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डिज़ाइन है और ये सिंपल वही पिछला वाला डिज़ाइन है, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें यहाँ पे कितने सारे फॉन्ट्स यूज़ कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एप्रिल यूज़ कर लिया, यहाँ पे नेक्सा कर लिया है, और यहाँ पे मैंने पैसिफिको कर लिया है, यहाँ पे टाइम्स कर लिया है। तो ये देखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं इस डिज़ाइन की, जिसमें मैंने सिंपली एक ही फॉन्ट का यूज़ किया है, और जो भी फॉन्ट यूज़ किया है उसकी पूरी फैमिली है। आप कभी भी कोई भी फॉन्ट यूज़ करें तो आप ध्यान रखेंगे आपके पास उसकी पूरी फैमिली होनी चाहिए। जैसे आप नेक्सा कर रहे हैं तो नेक्सा का पूरी फैमिली आपके पास होनी चाहिए, जैसे इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर, ये सारी फैमिली होनी चाहिए। अगर आपके पास ये फैमिली पूरी है तो आपको ज़्यादा फॉन्ट्स में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको 4-5 फॉन्ट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये किया है नेक्सा ब्लैक, फिर यहाँ पे किया है मैंने नेक्सा बुक, इसी तरीके से नेक्सा बुक यहाँ पे फिर से किया है, और यहाँ पे भी नेक्सा बुक यूज़ करके साइज छोटा किया है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3-4 फॉन्ट्स का यूज़ कर लिया, तो ये देखने में उतना ज़्यादा प्रोफेशनल लुक नहीं दे रहा है। लेकिन मैं वहीं पे अगर इस सेम डिज़ाइन को देखूं और सिंगल फॉन्ट के साथ देखूं तो ये देखने में एक अलग ही लेवल का लग रहा है, और देखने में लग रहा है कि ये एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है। तो गाइस, जो नंबर 5 मेरा सीक्रेट है डिज़ाइनिंग का, वो है वाइट स्पेसिंग। और वाइट स्पेसिंग एक ऐसा पार्ट है, अगर आप लोग इसका यूज़ नहीं करते हो तो आप कितनी ही अच्छी इमेज लगा लो, कितना ही रूल ऑफ थर्ड का यूज़ कर लो, कितना ही टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अपना डिज़ाइन बनाओ, लेकिन जो आपका डिज़ाइन है देखने में बिल्कुल बकवास लगने वाला है। और वाइट स्पेसिंग क्या है मेनली? वाइट स्पेसिंग का मतलब ये है कि आपका जो भी टेक्स्ट है या फिर जो भी इमेज है उनके बीच में इतना गैप होना चाहिए, एक ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि हर एक टेक्स्ट जो है एक दूसरे से चिपका हुआ है, या फिर इमेज जो है वो दूसरे टेक्स्ट से चिपकी हुई, ये ना लगे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइन है, तो एक तो ये होता है कि वाइट स्पेसिंग का फंडा ये है कि आपने जो टेक्स्ट है वो इतना बड़ा रख दिया है कि मेरे यहाँ पे ब्रीदिंग का स्पेस ही नहीं है, कुछ भी स्पेस ही नहीं मिल रहा है, ना प्रोडक्ट और टेक्स्ट के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैंने बड़े बड़े फॉन्ट लगा दिए हैं। लेकिन अगर मैं सेम जो मैंने पहले डिज़ाइन बनाया था अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रोफेशनली लग रहा है। लेकिन ये वाला डिज़ाइन इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या कर रखा है यहाँ पे कि ये इतने ज़्यादा बड़े कर दिए हैं, किसी के भी बीच में स्पेसिंग ही नहीं है। और जो सेकेंड तरीका है, सेकेंड है कि आपने फॉन्ट तो छोटे रखे हैं लेकिन उनके आपस में जो गैप है वो इतना ज़्यादा कम है, इतना कम है कि वो स्पेस ही नहीं है, वहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है। तो आपका इस आपको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं तो उसमें आपको प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, एक ब्रीदिंग स्पेसिंग होनी चाहिए कि आपका जब एक सेंटेंस ख़त्म होता है, जैसे कि मेरा एक ये सेंटेंस है ये ख़त्म हुआ, तो इसके बाद जब सेकंड सेंटेंस आएगा तो उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, फिर उसके बाद में जब थर्ड सेंटेंस आएगा तो उसके बीच में भी एक स्पेस होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे जब मेरा टेक्स्ट ख़त्म हुआ और उसके बाद में इमेज आई तो इन दोनों के बीच में भी स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म करा, इसके तुरंत बाद में मेरी इमेज आ गई, फिर उसके नीचे यहाँ पे फॉन्ट आ गया, नहीं ना ही ऐसा होना चाहिए कि आपका फॉन्ट तो छोटा रखा है, आपने कहा कि स्पेस है कितना वाइट, लेकिन इनका आपस में स्पेसिंग नहीं है। तो अगर आपको इसकी आपस की स्पेसिंग खोलनी है तो आपको ये दूर दूर रखने पड़ेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंस वाइज रखने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो एक सेंटेंस है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसके थोड़ी देर बाद दूसरा सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से हम बोलने में पॉज लेते हैं, एक कॉमा लगाते हैं लिखने में भी, उसी तरीके से आपको डिज़ाइनिंग में भी एक पॉज लेना है हर एक पैराग्राफ या फिर हर एक कंटेंट, हर एक हेडलाइन के बाद। तो गाइज़, ये मेरे 5 डिज़ाइनिंग सीक्रेट थे जो कि मैंने आपके साथ रिवील किए, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो जो आपके डिज़ाइन है वो डेफिनेटली देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेंगे। तो अगर गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।